मैं इस्तेमुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद हम मुमरा के दारुल फला पर और आपको बता दें कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको दिखाएंगे यहां पर गधे पर जो है नुपुर शर्मा की तस्वीर लगाकर यहां पर चप्पलों से मारा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एनसीपी पार्टी के जो नेता है शानू पठान, उनके तरफ से ये आंदोलन किया गया था कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग पर लेकर आज यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं और जो जेंट्स यहां पर मौजूद है। और नुपुर शर्मा ने जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेकर यहां पर आज विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है और पुलिस हिरासत में ले रही है। और यहाँ पर जिस तरह से कार्यकर्ता सब है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस लगातार उन्हें हिरासत में ले रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ किस तरह से मुस्लिम समाज में नाराजगी है और यहाँ पर गधे पर जो है तस्वीर लगाकर नुपुर शर्मा की और उसे चप्पलों से पीटा जा रहा है। इसी तरह से तमाम जो है मुस्लिम महिलाएँ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है और तमाम और भी कई लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार हिरासत में भी लेकर पुलिस जो है वैन में यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस वैन के सामने जो है तमाम महिलाएं जो है आकर खड़ी हो गई हैं। पुलिस को यहाँ से जाने नहीं दे रही है। हालांकि पुलिस लेकर जो है यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है। जो कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस हटाने के लिए यहाँ पर सभी महिलाओं को हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये इसमें सभी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है और पुलिस जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो गाड़ी के सामने खड़ी है, लेकर जाने नहीं दे रही है। तमाम महिलाएं पुलिस लगातार इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है कि ये गाड़ी के सामने से हटे और जो भी विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उन्हें यहाँ से लेकर पुलिस स्टेशन जाया जाए। महिलाएं देख रहे हैं बड़ी संख्या में आप नुपुर शर्मा के खिलाफ मुमरा में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। जिस तरह से मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज किया गया है नुपुर शर्मा के खिलाफ और इसी तरह से मुंबई में भी दर्ज है, भिमंडी में भी FIR दर्ज है। यहाँ पर जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे तमाम कार्यकर्ता, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब पुलिस जो है उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएँ जो है पुलिस वैन के सामने खड़ी हो गई हैं, वो पुलिस को जाने नहीं दे रही है। जो कार्यकर्ता हिरासत में है उन्हें लेकर जाने नहीं दे रही हैं। आप पुलिस वैन के सामने देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर तमाम लोग तमाम महिलाएं जो है बैठ रही हैं, पुलिस वैन को आगे नहीं जाने दे रही हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, तमाम महिलाएं हैं और बैठने नहीं दे रही हैं पुलिस। पीछे आप दूर से पुलिस की गाड़ी को जो है सभी महिलाएं सभी लोग जो प्रदर्शनकारी थी वो रोक रखी है पुलिस, हटाया जा रहा है। पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर लोग हैं, कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से क्या अब जो पुलिस की वैन है वो यहाँ से आगे बढ़ रही है। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा जिसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो जो है यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो है पुलिस स्टेशन के लिए पुलिस अब रवाना हो गई है। अब देख रहे थे जिस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तमाम लोग यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब उन सभी लोगों को पुलिस हिरासत में ली है और उन्हें मुमरा पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया है। विरोध प्रदर्शन आप लोग किए नुपुर शर्मा के खिलाफ, पुलिस ने हिरासत में लिया था आप लोगों को, क्या कहेंगे? विरोध प्रदर्शन नहीं है, गिरफ्तारी करके जेल भरो आंदोलन था। जब भी मुंबई से लेके थाना से लेके भिवंडी से लेके मुमरा में FIR दाखिल कर दी गई है तो हमारी ये मांग थी या तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो तो हमको गिरफ्तार करो, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे गिरफ्तारी दी और विरोध प्रदर्शन किया। और हम ये मांग करते महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर के एक ऑर्डिनेंस बिल लाया जाए
जिसमें किसी भी धर्म के ताल्लुक से कोई महात्मा, कई महापुरुषों को अगर गलत बोला जाए तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ ईशा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हम सबकी जान चले जाए। हम अपनी जान देने तैयार है, लेकिन गुस्ताखे रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं चलेगी। इसीलिए हम लोगों ने आज यही बात की है, और अगर ये पुलिस और डिपार्टमेंट और सरकार ये बात नहीं मानेगी तो हम अभी कोर्ट के मामले में लेके जाएंगे कि FIR दाखिल हो चुकी है। जब आप दिल्ली में एक सर को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिग्नेश मीनवाल जी को बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी देने पे गुजरात से आसाम पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो महाराष्ट्र में FIR दाखिल होने पर निपुण शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर सक रहा, इसकी मांग हम लोग पुलिस स्टेशन से करने आए थे। और इसलिए इसका दूसरा स्टेप यह रहेगा कि हम लोग अपनी तरफ से अच्छा वकील करके FIR की कॉपी लेके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि उसकी जगह जेल के अंदर के। हम ये मानते, हम ये जानते और हमारी मांग है, आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मालूम नहीं है, कोई मालूम नहीं। जो रहमतुल आलमीन है, इस दुनिया के जितने भी मानव इंसान है उसके लिए रहमत की दुआ करने वाले, शांति का पैगाम करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हर किसी नहीं की जाएगी। और इसीलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी जगह जेल है, और कोई भी ऐसा करता है तो उसकी जगह जेल होना चाहिए। आज बीजेपी गवर्नमेंट का ये एजेंडा है, मंदिर मस्जिद भोंगा धर्म, इस महात्मा महापुरुषों का नाम के ऊपर ऐसी टिप्पणी करो ताकि लोग महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों को भूल के आपस में लड़ने लगे। हम कानून के मानने वाले लोग हैं, और हिंदुस्तान में अगर कोई ये सोच रहा है कि हमको ऐसी बातें करके भगा देगा, हिंदुस्तान किसी बाप की जागीर नहीं, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारे बाप दादा यहाँ मरे और हम भी यही मरेंगे, किसके बाप भी यहाँ से हमको भगा नहीं सकता। आपको इस देश के कानून के मानने वाले लोग हैं, हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, हम कानून के माध्यम से उसको सजा दिला के रहेंगे। एक यह हमने दिखाया कि गधे पे घुमाया गया, क्योंकि गुस्ताखे रसूल की क्या है सजा, गुस्ताखे रसूल की क्या है सजा।